हेलो दोस्तों, हिप हॉप ब्लास्ट के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम डांस प्लस के नए सीजन के बारे में बात करेंगे और चेन्नई में होने वाले एक बहुत ही बड़े डांस कंपटीशन के बारे में भी जानेंगे और बिग डांस सेंटर पे ऑरेंज वीकेंड क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक देखें। वीडियो की शुरुआत करते हैं जीओडी से, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ डांस, जिसका वीडियो ऑडिशन चालू हो चुका है सितंबर 15 से और एंड डेट है अक्टूबर 25। और वीडियो ऑडिशन का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही फ्री है, डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, चाहे तो आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हो। और ये इवेंट चेन्नई में होने वाला है, इवेंट का डेट है 2nd and 3rd December और वेन्यू है अन्ना सेंट्रल ऑडिटोरियम और इस कॉम्पिटिशन का विनिंग अमाउंट है 10 lakh rupees। शो के जजेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। आपको इस कंपटीशन के बारे में और जानना है तो स्क्रीन पे डिटेल्स है, आप यहाँ से भी इस कंपटीशन के बारे में पता कर सकते हैं। POD's पावर ऑफ देसी स्ट्रीट अपने नए सीज़न के साथ आ चुका है, जो ये सीज़न 8 होगा और इसका वीडियो ऑडिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से और इसका लास्ट डेट है 15 नवंबर, जो कि एक क्रू डांस चैम्पियनशिप रहेगा। POD's के डायरेक्टर स्वप्निल पाटिल सर ने भी इस कंपटीशन के बारे में कुछ बातें शेयर की है, आप ये देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वप्निल पाटिल, डायरेक्टर ऑफ POD's। आई नो आप सब लोग वेट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इस बार POD's में क्या नया होगा, POD's का थीम क्या होगा। तो पहले जिनको POD's के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूँ, POD's पावर ऑफ देसी स्ट्रीट ये नेशनल लेवल स्ट्रीट डांस चैम्पियनशिप है, जहाँ हर साल इंडिया के अलग अलग स्टेट से डांस क्रूज पार्टिसिपेट करते हैं। और मतलब आपको इस बार आपका खुद का थीम लेके आना है जो आपके लिए सूटेबल हो। जिस बार क्रूज को हम चॉइस दे रहे हैं उनका खुद का थीम चूज़ करने में मार्क्स मिलेंगे आपके यूनिकनेस, इनोवेशन, फ्रेशनेस पे कि आप क्या नया लेके आते हो और अपने थीम को कैसे एग्जीक्यूट करते हो। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है कि थीम करना कंपलसरी है और आपके डांस रूटीन में स्ट्रीट स्टाइल होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को POD's के बारे में और जानना है तो आप इनकी आईडी में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, सब कुछ वीडियो में मैंने दिया हुआ है। अगर आप लोगों को डांस कंपटीशन के बारे में और जानना है या डांस से रिलेटेड कुछ और वीडियोस के बारे में पता करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बढ़ते हैं डांस वर्कशॉप की तरफ, जो कि बिग डांस सेंटर पर होने वाला है और इंटरनेशनल आर्टिस्ट रिको आ रही है। अक्टूबर 26th और 27th पे मुंबई पे होने वाला है और फैकल्टी कौन कौन रहेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दिल्ली में 28th to 29th October और फैकल्टीज आप स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके भी चेकआउट कर सकते हैं। फीस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना हो तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड सीट है। आते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट पर, जहां के डांस रियलिटी शो डांस प्लस का ऑडिशन शुरू हो चुका है और 16 दिसंबर से स्टार प्लस और डिज्नी हॉटस्टार पर ये शो टेलीकास्ट होगा। इस बार शो को राघव होस्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। राघव जिस तरह से एंटरटेन करता था, क्या कोई दूसरा होस्ट उस तरह एंटरटेन कर पाएगा? आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बताएं। इस बार शो का नाम भी डांस प्लस प्रो हो चुका है और जजेस सीट पर हमें शक्ति मैम, पुनीत सर और राहुल सर दिखेंगे। डांस प्लस या डांस रियलिटी शो या डांस से कुछ भी रिलेटेड बातें हैं, ये सारी बातें इस चैनल पे होती है। अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हिप हॉप जिंदाबाद।